वेलकम टू मज़ा स्टडी। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है तो उसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, तो उसमें जो छूट गया डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 7 का 11 13 17 19 का, ये सब हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, तो इसको वीडियो को अंत तक देखें और बेसिक और इसमें जो है इसके रूल को एकदम फिक्स आपको याद हो जाएगा। और इसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो पहले इसके रूल को जान लेते हैं। सपोज़ कीजिए, पहले हम ले लेते हैं यहाँ से हम 13 का रूल, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। 13 का क्या है डिविजिबिलिटी रूल? तो इसमें आप किताबों में पढ़े होंगे कि इसमें बताता है कि इसमें से आखिरी वाले अंक का यानी लास्ट डिजिट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, मान लेते वो संख्या 1 से, और बचे हुए पार्ट में यानी 1 में इसमें जोड़ देंगे। अगर ये संख्या 13 से कटता है तो ये संख्या भी 13 से कटेगा, और ये तो कटता ही कटता है। अगर ये संख्या 13 से कटेगा तो वही इसका इस 13 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए, अब हमको उसमें याद रखना पड़ता है कि किस संख्या को कितना से मल्टीप्लाई करें और तो फिर उस किसका डिविजिबिलिटी रूल में कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो वो सब याद रखना नहीं होगा। आप खुद से बना सकते हैं ये तरीका, डिविजिबिलिटी रूल खुद से आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर एक्स का मान 1 रखते हैं तो हो जाएगा 3 एकम 3 4। 4 13 से कटता है? नहीं कटता है। 2 रखते हैं तो भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, 3 3 9 10, नहीं होगा। तो इस तरह से हम एक्स का मान 4 रखते हैं, तो आप देखेंगे अगर 4 रखते हैं तो 4 3 12 और 1 13 होगा। जब ये संख्या 13 हो जाएगा यानी ये 13 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है कि ये जो एक्स है इसका मान हमें 4 रखने पर ये संख्या 13 से डिविजिबल हो जाता है। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल यही होगी, और ये जो एक्स है इसको हम ऑड फैक्टर कहते हैं, इसको ऑड फैक्टर कहते हैं यानी अतिरिक्त पद कहा जाता है। यानी कि 13 का ऑड फैक्टर 4 है, यानी कि शॉर्ट में कहा जाए तो ये लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए पार्ट में ऐड कर देंगे, और जब वो संख्या 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो सारा संख्या 13 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये 78 लेते हैं, क्योंकि हम ये जाना पहचाना नंबर है, हम जानते 13 से कटता है। अब हम इसको जांचना चाहते हैं, हम सपोज कि हम नहीं जानते ये 13 से कटने वाला है या नहीं है। हम क्या करते हैं, इस रूल को अपनाते हैं। हम जानते हैं इसका ऑड फैक्टर 4 होता है, तो हम आखिरी नंबर को लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, और बचे हुए नंबर से ऐड कर देंगे तो 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 39 13 से कटता है, 13 3 39, मतलब कि ये 78 भी 13 से कटेगा। अब 11 का अगर हम लें तो 11 का ऑड फैक्टर 11 यानी कि आखिरी अंक को, यहाँ तो दोनों अंक सेम है इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आखिरी अंक को देखना है। आखिरी अंक को हम किसी, मान ले कोई भी संख्या, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और बचे हुए पार्ट को ऐड कर देंगे। अब ये संख्या अगर 11 से कटता है, इसका मतलब कि दिए हुए संख्या भी 11 से कटेगा। अब सपोज यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+1। अब हम x का कौन सा मान रखें ताकि ये दोनों, ये नंबर ऐड करने पर 11 से डिविजिबल हो, तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा, और ये संख्या 11 से कटेगा। जब ये संख्या 11 से कटेगा तो ये भी कटेगा, तो इसका जो डिविजिबिलिटी रूल होगा यही होगा, यानी कि इसका ऑड फैक्टर 10 होगा। लेकिन क्योंकि 10 एक बड़ा नंबर है, जब ज़्यादा बड़ा जब नंबर आ जाएगा सवाल में तो हमको निकालना थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे, जब नंबर बड़ा होने लगेगा तो फिर हम रिवर्स जाएंगे नेगेटिव में। तो हम जानते हैं अगर हम या तो 10 ले सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे -1 लें यानी -1 लें तो -1 और +1 यानी यहाँ पे हो जाएगा -1 और +1, ये कैंसिल, 0 हो जाएगा, और 0 सभी संख्या से कटता है मतलब 11 से भी कटेगा। तो इसका जो, यहाँ से ये पता चला कि 11 का जो ऑड फैक्टर
ऑड फैक्टर होगा वो 10 और -1 दोनों होगा, तो हम -1 को लेके चलें। तरीका सेम है ऑड फैक्टर निकालने का, आखिरी वाले अंक को आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे या तो 10 से मल्टीप्लाई करें या -1 से, और बचे हुए रिमेनिंग पार्ट से जोड़ दें। तो अगर वो संख्या 11 से कटता है तो समझिए कि पूरी संख्या दी हुई पूरी संख्या 11 से कटेगी। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 17, 17 का ऑड फैक्टर कितना होगा? 17 का ऑड फैक्टर होगा, मान लीजिए आखिरी डिजिट को हम मान लें किसी संख्या से, वो संख्या एक से, एक्स से मल्टीप्लाई की और बचे हुए पार्ट 1 में ऐड कर दें, तो एक्स एक्स का कौन सा मान रखें जो कि ये जो नंबर है 17 से कट जाए? तो यहाँ पे हमको 12 रखना होगा, तो 12 सत्ते 84 और 1 85 हो जाएगा ये संख्या। 85 17 से कटता है, इसका मतलब कि 17 का ऑड फैक्टर 12 होगा। लेकिन क्योंकि 12 एक बहुत बड़ा नंबर है इसलिए हम नहीं लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जब बड़ा आने लगे तो हम रिवर्स में आएंगे, उल्टा नेगेटिव में आएंगे। तो हम अगर एक्स का मान -5 रखते हैं तो 7 5 -35 होगा, और +1 ये -34 हो जाएगा, और 34 17 से कटता है, 17 दूनी 34, इसका मतलब है यहाँ पे ऑड फैक्टर -5 होगा। ऐसे 12 भी हो सकता है लेकिन 12 ज़्यादा टफ हो जाएगा अगर बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाए तो। इसलिए 17 का ऑड फैक्टर -5 होगा। इस तरह से आप खुद भी निकाल सकते हैं। 19 का होगा, 19 का ऑड फैक्टर होगा 9x+1, एक्स का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 9 दूना 18 19 होगा, यानी कि इसका ऑड फैक्टर 2 होगा, इसका ऑड फैक्टर 2 होगा। ठीक है, जैसे हमको जांचना है कोई संख्या 19 से कटेगा कि या नहीं, तो आप इसको जांच सकते हैं। जैसे 85 95 95 19 से कटता है, हमको जानना है। सपोज कि हम नहीं जानते डिविजिबिलिटी रूल, हमको जांचना है। तो कि रूल क्या है, ये इस आखिरी अंक को 2 से इसके ऑड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस आखिरी अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा, और बचे हुए पार्ट यानी इस 9 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 और 9 19 हो जाएगा, और 19 19 से कटता है, इसका मतलब ये 95 भी 19 से कटेगा। तो ये रूल है। अब बचा 7 का, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 7 के बगल में कोई भी नंबर नहीं है तो इसका कोई रिमेनिंग पार्ट है ही नहीं, तो उस नियम को हम इसमें बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, 7 के फैक्टर यानी 14 का डिविजिबिलिटी रूल बना देंगे। तो 14 का जब बन जाएगा, तो क्योंकि 14 7 का मल्टीपल है तो वो 7 के लिए भी होगा, तो हम इसका बना देंगे। तो सेम है, 4x+1 रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे, -2 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना -8 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा यानी -7 बचेगा, और -7 7 से कटता है इसलिए इसका ऑड फैक्टर -2 होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित। सवाल है, यदि एक 6 अंकों की 6 डिजिट की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाया गया, यानी 6 डिजिट का कोई संख्या है उसको 3 अंकों को दोहरा के बनाया गया। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 214 214 6 अंक का बन गया, फिर 656 656, इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो परिणामी संख्या डिवाइड होगा, ठीक है ना, यानी भाग होगा किससे, तो इसको हम देखते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसी को ले लेते हैं सवाल को, ठीक है, 214 को, 214 को हम ले लेंगे सवाल में, 214 214 यानी 3 अंकों की संख्या दोहरा कर बनाया गया 6 अंकों की संख्या को। ठीक है, तो पूछा ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, ऑप्शन दिया हुआ है 7 से, ओनली 13 ओनली 11 या 1001 से। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं 214,214 को लिख सकते हैं 214,214 यानी अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा फायदा कि 214 और 214 जो दिख रहा है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1000 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 214 कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे आ जाएगा 214 मल्टीप्लाई बाय 1001। इसका मतलब होगा ये संख्या 1001 से कटेगा, तो यहाँ से आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, ओनली 11 ओनली 13 ओनली 7 ये सही नहीं है, सिंगल सिंगल सही नहीं होगा, ये होगा 1001। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ओनली ओनली इसलिए दिया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि 7, 13 और 11 का मल्टीपल 1001 होता है, और ये संख्या है 7 और 13 और 11 तीनों से कटेगा यानी कि 1001 से कटेगा, का इसलिए आप ओनली 7 नहीं कह सकते। तो क्योंकि इस तरह के सवाल जो है कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पर पूछ देते हैं, कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीपल 1001 होता है और इस पर आधारित सवाल पूछ देता है, तो इसको जानना जरूरी है। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे 214, 214 इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या हो, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल आसानी के लिए ले रहे हैं, तो क्या करेंगे ना, हम इसको तीन तीन का जोड़ा बना देंगे और इसका अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों का अंतर यानी 214 और 214 को घटाएंगे तो आएगा 0। हम जानते हैं 0 सभी नंबर से कटता है, मतलब 7 से भी कटेगा, 11 से, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों से कटेगा तो संख्या, और तीनों का मल्टीपल 1001 होता है तो यानी संख्या इससे भी कटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ओनली और जवाब सही नहीं हो, क्योंकि सिर्फ 11 से नहीं कटता बल्कि तीनों से कटता है। तो इस तरह से आपको बनाना है, किसी तरह का भी कोई भी नंबर हो तो आप उसको फौरन जांच सकते हैं, ठीक है ना, कि वो 1001 से कटेगा कि नहीं। कभी कभी सवाल दे देता है कि दो संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो संख्या डिवाइड डिवाइड होगा, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल को सिंपल तरीका है जो अभी हमने बताया, ये जो लिखा हुआ है 7777 लिखा हुआ है, तो हम इसको तोड़ के लिख देंगे, 7700 + 77 लिख दें। इससे क्या होगा, 77 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा 100 + यहाँ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 77 × 100 + 1 यानी 101 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी संख्या जो है ये वाली संख्या 101 से डिवाइड होगा, यानी कोई भी संख्या, 2 डिजिट की संख्या, 2 अंकों की संख्या, सेम नंबर से दोहरा के 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो वो हमेशा 101 से कटेगी, जैसे 4 4 4 4 या 6 6 6 6, इस तरह की संख्या, और 6 अंकों की हो तो 1001 से डिवाइड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए बताना ज़रूरी था। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब 3 डिजिट की संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से 2 बार रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इस पर एक आधारित सवाल लेते हैं। तो ये सवाल है कि ABC मल्टीप्लाई किया जाता है DEE 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 से, तो ABC ABC आता है, तो फाइंड DEE, जहाँ ABCD आर डिजिट, ये सब डिजिट है जहाँ ABC, तो हम जानते हैं अगर ये डिजिट है तो ये 3 डिजिट का संख्या बनेगा, और 3 डिजिट की संख्या को हम जानते हैं कि 3 डिजिट की संख्या को जब हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो सेम नंबर से 2 टाइम्स यानी 2 मरतबा रिपीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो DEE है ये 1001 होगा, ठीक है, तभी ये यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ से हमको पता चला D का वैल्यू 1 है और E का वैल्यू 0 है, और सवाल में यही पूछा था DEE क्या होगा, तो D 1 है और E 0 है, यानी इसका आंसर होगा 1 और ये हुआ आंसर। उम्मीद है कि यह अब आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा, और डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ कैसे करना यहाँ पे आपने सीखा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उसे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, और इस तरह से हम और भी आगे जो बचे हुए हैं नंबर सिस्टम के पार्ट, जैसे रिमाइंडर थ्योरम है अभी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।